मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व राज्य में समान विचारधारा की डबल इंजन की सरकार होने से ही उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से विकास संभव हो पा रहा है। जब स्थानीय स्तर पर भी उसी पार्टी की समान विचारधारा की सरकार होती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है। गोरखपुर में ऐसी ही ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिले में सभी 9 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर भाजपा का होने का ही परिणाम रहा है कि यह द्रुत गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की यह गति थमने ना पाए। सीएम योगी रविवार शाम 1822 करोड़ रुपए की लागत वाली फ्लाईओवर, फोर लेन जल निकासी और सिवरेज से जुड़ी 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। विकास की प्रक्रिया से जुड़ना हो, चुके कार्यों का संरक्षण करना और जो हो रहा है उसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। विकास का कोई विकल्प नहीं होता, विकास से ही नागरिकों के जीवन में परिवर्तन आता है, रोजगार का सृजन होता है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं में मानक व गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इन्हें समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। सीएम योगी ने कहा कि पहले माफिया, अराजकता और अव्यवस्था के लिए बदनाम गोरखपुर को प्रदेश सरकार ने विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। 2017 के पहले तक यहाँ का स्वास्थ्य तंत्र चरमराया हुआ था। आज यहाँ एम्स है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं। 1990 में बंद खाद कारखाने की जगह नया कारखाना 105% की दर से खाद उत्पादन कर रहा है। यह अन्नदाता किसानों के लिए रामबाड़ का काम कर रहा है। खाद कारखाना परिसर में ही सैनिक स्कूल बन रहा है जो अगले सत्र में प्रारंभ हो जाएगा। गोरखपुर में हर मार्ग 4 लेन है तो लखनऊ गोरखपुर मार्ग 6 लेन होने जा रहा है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन से वाराणसी की दूरी 2.5-3 घंटे में सिमट गई है। सड़कों की कनेक्टिविटी से जाम की समस्या का भी समाधान हो रहा है। गोरखपुर में शानदार एयर कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट की सेवाएं हैं। सरकार यहाँ नए एयरपोर्ट के लिए की धनराशि उपलब्ध करा रही है। मानसरोवर, सूरजकुंड, मुक्तेश्वरनाथ, जटाशंकर और मोहद्दीपुर के गुरुद्वारा समेत सभी धर्मस्थल दर्शनीय बन चुके हैं। 8-10 साल पहले तक अपराध का गढ़ रहा रामगढ़ ताल सबसे सुंदर स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ अब फिल्मों की शूटिंग हो रही है। गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय क्रियाशील हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेज के साथ ही यहां बड़ी संख्या में अस्पताल और हजारों निजी चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। गोरखपुर शिक्षा व चिकित्सा का हब बन चुका है। गोरखपुर में निवेश आ रहा है, स्थानीय युवाओं को यही नौकरी व रोजगार मिल रहा है तो देश दुनिया के लोग भी नौकरी और रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के नागरिकों ने विकास कार्यों में कभी बाधा नहीं डाली। जब भी सड़कों के चौड़ीकरण की बात आई तो लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों के हिस्से को देने के लिए तैयार हो गए। असुरन मेडिकल कॉलेज 4 लेन, एयरफोर्स सर्किट हाउस 4 लेन, मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया 4 लेन इसका प्रमाण है। सीएम योगी ने कहा कि गोरधैया नाला परियोजना पर काम शुरू होने के बाद यह नाला न केवल अतिक्रमण मुक्त होगा बल्कि इससे 17 वार्डों की करीब 2 लाख की आबादी के लिए सीवरेज व जलभराव की समस्या का समाधान होगा। परियोजना में 19.5 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन, 38 MLG की 1 STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 MLD MPS, 19.5 किलोमीटर RCC नाला निर्माण व 22 ब्रिज कलवर्ट आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 वार्डो बिछिया जंगल, तुलसीराम पश्चिमी, शिवपुर, शहबाजगंज, जंगल शालीग्राम, बिछिया जंगल, तुलसीराम पूर्वी, रेलवे बिछिया कॉलोनी, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सिमरा, बशारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर एवं चकसा हुसैन से जनित सीवेज जो नाले में बहते हैं उन्हें प्रस्तावित 38 MLG STP पर शोधित कर रामगढ़ ताल में प्रवाह
प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जलभराव व सीवरेज की समस्या का समाधान होने से एक्यूट एंसेफलाइटिस जैसी जल जनित बीमारियों से भी निजात मिलेगी। गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत जंगल में बेनी माधव, पुराना गोरखपुर, कल्याणपुर, सिविल लाइन्स, राम जानकी नगर, चकसा हुसैन, जनप्रिय विहार, सूर्य कुंड समेत 21 वार्डों के लिए सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 188 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाते हुए 44,000 घरों को सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बरगदवा, कौवाबाग, जेल बाईपास, फोर लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर बन जाने से यहां लगने वाली जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार भटहट से वासस्थान मार्ग के फोर लेन में चौड़ीकरण व सुंदरीकरण से प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय पहुंचना आसान हो जाएगा। शहर से आयुष विश्वविद्यालय 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। शिलान्यास समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोधियों के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने विकास कार्यों से विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। उनके नेतृत्व में गोरखपुर में इतना विकास हुआ है कि अब सब लोगों का सपना है गोरखपुर में रहना। कार्यों के दम पर ही गुजरात के चुनाव में भी योगी जी की जय जयकार हो रही है। सांसद ने सीएम योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि वह किसी की जमीन कब्जा कर ले या किसी कारोबारी से रंगदारी मांग ले। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि एवं उद्यान विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। शिलान्यास से पूर्व मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, जल निगम और सेतु निगम द्वारा लगाए गए प्रोजेक्ट स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ADG जोन अखिल कुमार, DIG जे रविंद्र गौर, मंडलायुक्त रवि कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समाज के संरक्षक हम सभी के मार्ग स्वागत वंदन एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंच पर आसीन माननीय सांसद गोरखपुर क्षेत्र, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय विधायक बांसगांव क्षेत्र मंच एवं मंच पर आसीन समस्त सम्मानित जन प्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। इस जनमानस को सशक्त नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए गौरव महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन महाराज जी। और महाराज जी आपके जो थोड़ा शांत हो जा, सब लोग बैठ जा, बैठ जाओ, कुल माई बहन लोग बैठ जा, आराम से बैठ जा, बैठा बैठा सब लोग बैठ जा, वाह बैठ जा, प्रेम से बैठ जा। महाराज जी के स्वागत अभिनंदन। महाराज जी आज फिर एगो बड़ तोहफा लेके आई है। आज महाराज जी ये हमेशा जैसे विरोधी लोग कहते रहना कि यार पानी जमा हो जाला। देखा महाराज जी के और गोरखपुर के बारे में किसी के पास अब विरोध में भूलने के लिए कुछ है नहीं। तो तनी मनी पानी जो पिछले साल लगत रहे तो उसको लेके कभी कुछ लोग फोटो लेके सपा के जो अध्यक्ष जी हैं वो सब करते थे। महाराज जी हो गया आज बोना मार के चला स्वाहा बोल रही आज बोला नहीं कोई करो कुल आज जो ना पूरा 187 करोड़ से
पूरा जो सौगात बांटे महाराज जी का, उन्हें फोर लेन बांदर फ्लाईओवर का ब्रिज बांटे, जो महाराज जी कुल हमारा भी जैसे विधायक जी कहा महाराज जी भी के विस्तार में समझिया, हम खाली इतना कहे चाहब अपनी देवपुर जनता से, देखा वो महाराज जी का सौगात जब भी आवा खाली हाथ नहीं आओ, तो महाराज जी का सौगात मिला था और इस सौगात की वजह से आज हमारे गोरखपुर का पूरा नाम पूरे देश में हो गया, आज पूर्वांचल में गोरखपुर का नाम हो गया, देश में गोरखपुर का नाम हो, टीवी के हेडलाइन में गोरखपुर का नाम बांटे, विकास की गंगा बहती, जब सड़क होती है, जब एम्स होता है, फर्टिलाइजर होता है, चीनी कारखाना होता है, सिविल लाइन बनती है, जब जाम का जाम की स्थिति से महाराज जी मुक्त कराने का सोचते हैं, जब बीड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में विकास, आप लोग के मालूम का माई बहन बच्चा लोग हमारे यहाँ से पलायन होना छूट गया है, अब जहां भी जाएगा सांसद के रूप में तो लोग कहते हैं कि भैया हो अब यहरा रहा, यहरा रोजगार मिला था उनके गोरखपुर में, महाराज जी ऐसे कह देना कि हम जहां जहां एक गरीब आदमी दुर्बा आदमी मजदूर नहीं मिला ना, यहाँ सबके पास आज काम है, सबके पास रोजगार है। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ आज 1822 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों कमलों से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी शेषवंत मछवार जी को इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे कर कमलों से, इसके पश्चात शरद देवी जी, राजमती देवी जी, उत्तर प्रदेश शहरी योजना के लाभार्थी राजमती देवी जी, इसके पश्चात कृषि विभाग सिंह जी के पुत्र, इसके पश्चात रविशंकर राय जी, सन ऑफ श्री सरजीत राय जी, कृषि विभाग के मुख्यमंत्री आवास योजना की ग्रामीण योजना के लाभार्थी श्री रविंद्र जी, श्री शिवरतन जी, इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी श्री रामनाथ कन्नौजिया जी, उत्तर प्रदेश के माननीय भारती औसी फसल स्टीविया की ड्रिप सिंचाई के लिए, इसके पश्चात यादवेंद्र सिंह जी, सादर धन्यवाद महोदय, आप सबसे अनुरोध हमारे अतिथि महोदय के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है प्रशासन संवाद की ओर से। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का इस पावन धरती का कोटि कोटि नमन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन विकास की योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी, गोरधोवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा, यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बांसगांव से विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सहजलवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षदगण,
अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की चार बड़ी परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश बदल रहा है तो उसके साथ ही उत्तर प्रदेश और गोरखपुर ने भी विकास की एक राह पकड़ी है और विकास की उसी राह को उपलब्ध कराने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास में हूं कि गोरखपुर की जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, गुड़धोवा नाला सैकड़ों वर्षों से नाला बना हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष उस नाले की सफाई का कार्य हुआ और नाले की सफाई के बाद अब इस साल हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे पक्के नाले के रूप में आगे बढ़ाते हुए गुड़धोवा नाले के साथ हम लोगों ने आज यहां पर जिस कार्यक्रम को हम लोग लेकर चल रहे हैं, 475 करोड़ रुपए की लागत से गुड़धोवा नाले के पक्कीकरण करने, उसमें दोनों ओर मार्ग का निर्माण करने और अन्य उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को हम लोग आज यहां पर उसका शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसमें लगभग 19.5 किलोमीटर सीवर लाइन, 38 एमएलडी की एक एसटीपी, 61 एमएलडी की एक वहां पर एनपीएस और साथ साथ आरसीसी नाला के साथ साथ 22 ब्रिज कन्वर्ट उसमें प्रस्तावित किए गए हैं और गोरखपुर के 17 वार्डों की सीवर और जल जमाव की समस्या का समाधान उसके माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें जंगल तुलसीराम वेस्ट, शेरपुर सहबाजगंज, जंगल शालीग्राम, जंगल तुलसीराम ईस्ट, रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सेमरा, बसारतपुर, मानगेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल मकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर और चकसा हुसैन, यानी इतने मोहल्ले जल जमाव और सीवर की समस्या का समाधान इतने मोहल्लों का इसके माध्यम से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं सीवर की कोई समस्या, कोई भी व्यवस्थित कार्य योजना गोरखपुर में न होने के कारण तमाम जल जनित बीमारियां होती थी, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी इंसेफ्लाइटिस की समस्या होने से एक है, हजारों बच्चे 2017 के पहले बीमार पड़ते थे और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मौतें होती थी, लेकिन अब एक व्यवस्थित कार्य योजना डबल इंजन की सरकार बना रही है जिसके माध्यम से सीवर की समस्या का, ड्रेनेज और जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान का रास्ता निकलेगा और आज उस कार्य का शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी 17 वार्डों से जुड़े हुए गोरखपुर महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। लगभग 2 लाख की आबादी से सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। दूसरा है गोरखपुर सिवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 में, इसमें राप्ती और रोहिन नदी में जो नाले गिरते थे, 21 वार्डों के सीवर नेटवर्क को बनाते हुए यहां पर एसटीपी के निर्माण के साथ ही 562 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक लंबी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 30 एमएलडी की यहां पर एसटीपी की व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है। इसमें जंगल बेनीमाधो, लच्छीपुर, जटेपुर उत्तरी, उर्वरक नगर, लोहिया नगर, जंगल मकहा, अधियारी बाग, राम जानकी नगर, जनप्रिय बिहार कॉलोनी, राम धर्मशाला बाजार, हुमायूंपुर, सूरज कुंड धाम नगर, कल्याणपुर, सिविल लाइन प्रथम, राजेंद्र नगर पश्चिम, आर्य नगर, चकसा हुसैन, जाफरा बाजार, विकास नगर, तिवाड़ीपुर और पुराना गोरखपुर, यानी ये सभी मोहल्ले इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। इसमें 188 किलोमीटर की सिविल लाइन, 30 एमएलडी की एसटीपी और 43
44,900 यानी 44,000 घरों में सीवर के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य इसके माध्यम से होंगे और 2,00,000 की आबादी इससे भी लाभान्वित होगी। यानी जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान इसके माध्यम से होगा। और इसके साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक है खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। जब हम लोग बरगदमा से जाते थे जेल बाईपास मार्ग की तरफ सिटी की ओर, तो खजांची चौराहे पर जाम की समस्या वहां दिखाई देती है। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है और इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। और साथ साथ भटड़ से बास स्थान, गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ जब जाते हैं तो 4 लेन की सड़क महाराजगंज तक बन रही है। गोरखपुर से हम लोग जब सुनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन गई है। जब बालापार टिकरिया मार्ग पर जाते हैं तो उसको भी 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है, उसके एक फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। लेकिन बीच का ये मार्ग जिसमें मां योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस आयुष विश्वविद्यालय का मार्ग अब तक 2 लेन का भी नहीं था, अब इसको 4 लेन का बनाया जा रहा है। इसमें 700 करोड़ रुपए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, 700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का यह मार्ग बनेगा, जिससे गोरखपुर से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किल से 20 मिनट के अंदर कोई भी गोरखपुर सिटी से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच सकता है। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये 4 बड़े कार्यक्रम गोरखपुर के हैं, जिनमें 1822 करोड़ रुपए आज यहां पर गोरखपुर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे गोरखपुर वासियों को, आप सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बारे में सोचना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और यही जीवन में परिवर्तन लाएगा, इसी से रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने गोरखपुर को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 2017 के पहले गोरखपुर में एम्स नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई गई थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के उत्कृष्ट सेंटर के रूप में विकसित हुआ है, तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। एम्स अपना यहाँ पर उपचार शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ऐसे ही गोरखपुर में फर्टाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, आज वह 105% की दर से अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। देश का पहला खाद कारखाना है जो इतने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा है, और गोरखपुर का खाद कारखाना तो इस समय अन्नदाता किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो गया है। समय से किसान को खाद उपलब्ध हो सके इसके लिए गोरखपुर के खाद कारखाने में बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आज आप देख रहे होंगे वहां पर कितना विकास हो रहा है। वहीं पर हम प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, यहाँ पे गोरखपुर का पहला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हम वहीं पे कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग सैनिक स्कूल का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही गोरखपुर में रामगढ़ ताल, आज आप देखते होंगे एक दर्शनीय स्थल बन गया है। आप मानसरोवर में जाएंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा, सूरजकुंड धाम में जाएंगे, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आप जाइए, जगत शंकर गुरुद्वारा में आप जाइए, मोतीपुर गुरुद्वारा में आप चले जाइए, हर एक धर्म स्थल को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की
कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। गोरखपुर से लखनऊ के मार्ग को 4 लेन के बाद अब 6 लेन में बदलने की कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर का बरगदवा से लेकर के खजांची होते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची होते हुए जेल बाईपास का यह मार्ग, यह 4 लेन के निर्माण की कार्रवाई इसके युद्ध स्तर पर चल रही है, जिसके आज एक फ्लाई ओवर का शिलान्यास किया जहां किया गया है। ऐसे ही विकास की इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज विकास यूनिक प्रक्रियाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आज आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि विकास की हर परियोजना में आज केंद्र और राज्य सरकार जब एक जैसी विचारधारा की सरकारें होती है तो डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करती है और डबल इंजन के साथ जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी उसी पार्टी की सरकार और बोर्ड गठित होता है, ये ट्रिपल इंजन का काम करता है। 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की दिशा में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज कोई रामगढ़ ताल में आएगा उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये गोरखपुर का ही रामगढ़ ताल है, जहां पे 8 साल 10 साल पहले अपराध का एक गढ़ माना जाता था। आज वह गोरखपुर का सबसे सुंदर स्थान बन चुका है। लोग जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, हजारों लोग घूमते हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कालीबाड़ी के बाबा सीताराम जी, ये सभी लोग वहां पे फिल्मों में शूटिंग भी कर रहे हैं, यानी ये सभी कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जिस भी मार्ग पे आप जाएंगे वहां पर जाम की समस्या का समाधान करने के लिए, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के किसी भी कार्य में गोरखपुर के किसी भी नागरिक ने कभी बाधा नहीं डाली। जहां भी वो सड़क चौड़ी हुआ उस मार्ग पर जो भी व्यवसायी थे, जो भी चिकित्सक थे, जो भी शिक्षक थे, जो भी अधिवक्ता थे, उन लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि विकास का कार्य हो रहा है, गोरखपुर के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे घर, मेरे दुकान, मेरे घर या मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान से कुछ जमीन लेनी है तो मैं देने को तैयार हूं। और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है कि असुरन से मेडिकल कॉलेज झटर मार्ग 4 लेन में बन चुका है। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट से सर्किट हाउस का मार्ग 4 लेन में बन चुका है। मोतीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़ी और सोनौली मार्ग 4 लेन के बाद 6 लेन में बदल रहा है। पैडेगंज से नौसर होते हुए लखनऊ वाला मार्ग 4 लेन के बाद अब 6 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है और नौसर से लेकर के बागापार होते हुए वाराणसी का मार्ग 4 लेन में बनकर के तैयार हो चुका है। मैं बताता था ना कि जो अभी गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 8 से 10 घंटे लगती थी, आज के दिन में मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। आज से 10 साल पहले स्थिति गोरखपुर से लखनऊ की दूरी की भी स्थिति थी कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3 से 3.5 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ की दूरी आप तय कर सकते हैं। गोरखपुर को बेहतर एयरलाइन की कनेक्टिविटी मिली है, 14 फ्लाइट इस समय गोरखपुर से चल रही है, 14 फ्लाइट हर एक जगह, दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, हैदराबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए, हर एक जगह के लिए गोरखपुर की फ्लाइट की सुविधा। और गोरखपुर में नए एयरपोर्ट के विकास के लिए भी सरकार ने धनराशि उपलब्ध करा दी है, बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज गोरखपुर शिक्षा का एक हब बने इस दिशा में प्रयास हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं, ये 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर को यहां पर उच्च शिक्षा का एक केंद्र बनाएंगे तो साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा का केंद्र भी बन चुका है। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल्स और निजी क्षेत्र में कार्यरत हजारों चिकित्सक गोरखपुर के इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेश आ रहा है गोरखपुर में, जो गोरखपुर का नौजवान पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर भटकता था,
आज उसको तो यहीं पे रोजगार और नौकरी मिल रही है, साथ साथ दुनिया के लोगों को अपनी रोजगार और नौकरी के लिए गोरखपुर में आना पड़ रहा है। यह है बदलती हुई तस्वीर, और उसके पीछे कारण है गोरखपुर में, जो गोरखपुर कभी बदनाम था माफिया गतिविधियों के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने वाले तत्वों के कारण आज उस गोरखपुर ने अपनी इस तस्वीर को बदला है। आज गोरखपुर में विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ, सुरक्षा का बेहतर मॉडल खड़ा करता हुआ, विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच किन्नियों की ओर अग्रसर गोरखपुर दिखाई दे रहा है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़े और विकास की इस प्रक्रिया के साथ साथ जो बना है उसका संरक्षण करना, और जो नहीं हुआ, जो काम हो रहा है, उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देना। और इसके लिए गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर के सभी 9 के 9 विधायक चुनाव जिता करके भेजे, मेयर गोरखपुर का, जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर में भाजपा के जीते, तो परिणाम है कि विकास भी उसी गति के साथ गोरखपुर में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले समय में भी विकास की रफ्तार थमने ना पाए, इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा। आज यहां पर 1822 करोड़ की जिन परियोजनाओं को यहां दिया जा रहा है, मैं सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से कहूंगा इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, कार्य के मानक और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसका लाभ गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को मिल सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन हर गोरखपुरवासी भी विकास के प्रति अपने उन उत्तरदायित्व के साथ जुड़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संरक्षण में समाज सदैव खुशी केवल पहले होता है।